हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। तो पबजी न्यू स्टार्ट की वीडियो के साथ आ गए हम लोग वापस। भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की। तो भाई कल वाली वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो रहे थे न्यू स्टेट के रिगार्डिंग, बिकॉज उन्होंने जो न्यू मैप है उसको डिले कर दिया है। बट उसकी जगह भाई आप लोगों को एक ब्रांड न्यू मोड देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखते हैं अपडेट आने के बाद वो मोड कैसा रहने वाला। अभी बात करते हैं इस वाले गेम प्ले। तो यहाँ पर आप लोग सिचुएशन को इंजॉय करो। हाँ तो यार, यहाँ पे हम लोग एग्जिबिट हॉल पे आए हुए थे और यहाँ अपनी शुरुआत कुछ ज़्यादा खास नहीं जाती, बिकॉज यहाँ पे हम लोग शुरुआत में ही नॉक हो जाते हैं। और उसके बाद भाई हम लोग दोबारा से रिवाइव होते हैं, आते हैं इस जगह पे और यहाँ पे अपने साथ फिर से वही सेम सीन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले बंदे को किसी न किसी तरह से यार नॉक करके फिनिश कर देते हैं और भाई यही सेम सीन अपने साथ इस जगह पे होता है। अब यार देखो, एग्जिबिट हॉल पे पहले हम लोग उतरे थे तो वहाँ से रिवाइव हो जाते हैं, उसके बाद इस जगह पे ये वाले बंदे अपने को डायरेक्ट नॉक एंड फिनिश कर देते हैं, जिसके बाद भाई अपने को रिवाइव होने में यानी रीडिप्लॉय होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भाई मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से हम लोग गेम प्ले बना पाएंगे, बट एक्चुअल में सीन कुछ और ही होता है लास्ट में, वो आप लोग देखो। हाँ तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग आराम से रीडिप्लॉय हो जाते हैं और भाई सेफली लैंड भी कर लेते हैं एक सेफ लोकेशन पे, बिकॉज यहाँ पर एक बंदा था जिसको मेरा टीममेट काफ़ी आराम से फिनिश कर देता और इसकी अपने को लूट भी मिल जाती है। अब बारी थी यार बंदों को किल करने की, तो देखो उन लोगों को कैसे किल करते हैं। तो यार वहाँ से लूट करने के बाद आते हैं इस जगह पर और यहाँ पर ये बंदा था जिसको कि भाई बहुत ही आराम से नॉक एंड फिनिश कर देते हैं और भाई को फिनिश करने के बाद अपने पास जो लूट थी वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। और भाई फिर देखो आगे, और आगे जो सीन होता है वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। अब यार यहाँ पर देखो कुछ अलग ही टाइप की सिचुएशन थी, बिकॉज सामने की तरफ कुछ बंदे थे जिनको हम लोगों को किल करना था, बट अभी यार यहाँ पर लेफ्ट में कुछ बंदे आ जाते हैं जिसके बाद हम लोग पूरा बीच में फंस जाते हैं इस जगह पे। और इसके बाद भाई सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है आप लोग देखो और इन्जॉय करो। अब यार सबसे पहले मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ, उतने में यार लेफ्ट वाले बंदे फायर लेने लगते हैं अपने पे, तो इनको कुछ डैमेज वगैरह देते हैं सबसे पहले, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ये वाले बंदे शांत हो जाते हैं। बट यार जो बंदे सामने की तरफ थे वो इससे बड़ा टास्क थे, बिकॉज अगर उनको हम लोग किल ना कर पाते तो यहाँ पे अपना गेम फिनिश हो सकता था। बट भाई तुम्हारा भाई इन लोगों को बहुत ही आराम से किल करेगा, आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और फिर चलेंगे इन लेफ्ट वाले बंदों को किल करने और वहाँ पर सीन देखना कितना खतरनाक होता है। तो ये वाला सीन अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर से एक लाइक कर देना। तो इन दोनों भाई को तो काफ़ी आराम से हम लोग नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। अब बारी थी यार लेफ्ट वाले बंदों की, तो चलो चलकर भाई उनसे फाइट लेते हैं। और भाई इस जगह पे फाइट लेने में हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन जाती है। अब आप लोग देख सकते हो भाई वो वाले बंदे सामने ऊपर पूरा जोन में थे और हम लोग टोटल ओपन एरिया में, ये थोड़ी बहुत रिज वगैरह थी पहाड़ की जिससे हम लोग कवर वगैरह ले रहे थे। बट इसके बाद कुछ ऐसा सीन होता है जिसके बाद हम लोग इनसे लॉन्ग रेंज फाइट भी नहीं ले सकते। अब वो आपने देख ही लिया कि यार सामने वाले बंदों पे डीएमआर स्नाइपर सब कुछ था और हम लोग यार सिंपल एआर गन पे थे। तो भाई अभी आगे देखना आप लोग कि इन लोगों को हम लोग कैसे मारेंगे। बट यार इन लोगों को मारने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक प्रॉपर लोकेशन पे जाना पड़ेगा जिससे हम लोग इन लोगों को इजीली मार सके। बट यार यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि अपनी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं कि हम लोगों को कवर मिल सके। बट यार अभी एंड में देखना, थोड़ी सी टैक्टिक्स लगाओ तो सब कुछ हो सकता है। बस ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है कि आप उस जगह कैसे माइंड को रन करते हो। और इसके साथ आपका अपने टीममेट्स के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ताकि आपकी वो लोग बात वगैरह माने। तो यहाँ पर भाई मैं सिंपली अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू लेफ्ट साइड ओपन में जा जिससे मैं कवर तक पहुँच सकूँ और भाई इसके बाद देखो इन लोगों को कैसे मारते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। मिलते ही साथ कल किसी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।